दिने ओ या तेरी घड़ी अंत की आवेगी। एरा सही कावत पकरे की मां कह दिन खैर मनावेगी। बन जा बंदे ने कहे एक दिन घड़ी अंत की आवेगी। सही कावत पकरे की मां कह दिन खैर मनावेगी। सही कावत पकरे की मां कह दिन खैर मनावेगी। हो रुपये अंकल जी दे रहे हैं। अंकल जी एक मिनट मनिया बता के दो राजी हो के दे रहा हो ठंड के लिए दे रहा हो। अच्छा बढ़िया बात के लिए दे रहे हैं। मैं भाई कई बार बजरने देते जनानियों के दियार की मैं ले दे के बैठ जाती हूँ। क्यों कोई गांव में भजने गेड़ो तो गांव वाला के मटा का भजन सचा बोलिया एक एक करके सब चलागा। 500 रुपये हमारे प्रेमी सोमवीर जी लंबा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बताया कोई गांव में भजन आ रहा गांव वाला के भजन सचा बोले एक करके सब उठ के चले आ गए। एक बूढ़ी बैठी रहेगी बोला ताई तेना भजन बढ़िया लग गया। बोली भाया तेरी आवाज तो बढ़िया लेकिन तू तो उम्र ही थोड़ी लेके। ओम प्रकाश जी स्वामी भजनी बोलो ताई उम्र थोड़ी कहाँ खेल लेके आयो। बोली भाया तेरे लेने मारा पड़ोसी है नोरंगा का बकरो थो 4 बजे ताई तो पपाए और सुबह 4:30 बजे मर रही निकलो। तो बात समझ में आनी भी जरूरी है। कैसे सबसे पहले एक एक बात सुनने की है। एरा जल चर थल चर नब चर सारे हाथी मगर मच हंस गए मनुष्य जन्म कै बटा लगा के हिरणा कुछ योर कंस गए। एर मनुष्य जन्म कै बटा लगा के हिरणा कुछ योर कंस गए। अपने आप गए योर उनके धरती पर तय अंश गए रावण और दुर्योधन जैसे घमंडियों के वंश गए। रावण और दुर्योधन जैसे कितनी दुनिया आई गई न किस किस की या भाई बतावेगी। सही कहावत बकरे की माँ कह दिन खैर मनावेगी। एक दिन घड़ी अंत की आवेगी। सही कहावत बकरे की माँ कह दिल खैर मनावेगी। जलचर थलचर नबचर 100 रुपये साधु सिंह जी शेखावत बिल्कुल पूरे होशवास में 100 रुपये दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। कि जलचर थलचर नबचर सारे हाथी मगर मच हंस गए लेकिन किता ही समझा लो सजनों यो मरना यो किसी ने अच्छा नहीं लगा। इस देश में दो चीजें तो कोई नहीं था प्या। एक तो पीसम कोई नहीं था प्या। एक जीवनों कोई नहीं था प्या। बुढ़े की 100 साल उम्र जाओ पाचे भी टावर अन्यू का भाई डॉक्टरों पार्क उन पड़े राजगढ़ का निदेशी बात और बताऊं छोरो मन ऊँक नोर ले चलो एक बार क्योंकि ये जिद्दी विषा कभी खत्म नहीं होती। अगली बात में क्या बताया। अरे या महंगे लहनिया र तेरे रे दिख नहीं किसी को ऊत कोई बतावे फरिश्ता उनको कोई बतावे यम के दूत। कोई बतावे फरिश्ता उनको कोई बतावे यम के दूत। तेरे ले जा पकड़ के नहीं सुनेंगे तेरे गवाही और सबूत। कोई कर्म से बने देवता कोई कर्म से बन जा छूत। कोई कर्म से बने देवता कोई कर्म से उस मालिक के घर तेरे कर्म की लिखी कहानी पावेगी। सही कहावत बकरे की माँ कर्म घर मनावेगी।
सौ रुपये इस भजन पे श्रीमान माता दीन जी शर्मा दे रहे हैं, उनको भी बार बार धन्यवाद। और अगली बात मैं क्या बताया, अरे जैसा कर्म करेगा बंदे उसी कहानी रह जाएगी, कहीं लिखी मिल जावेगी और कहीं जवानी रह जाएगी, कहीं लिखी मिल जावेगी और कहीं जवानी रह जाएगी, अरे छोड़ के स्वार्थ कर परमार्थ याद पुरानी रह जाएगी, नेकी और बदी दोनों में एक निशानी रह जाएगी, नेकी और बदी दोनों में एक निशानी रह जाएगी, किसी तरह मैं अमर रहूं ये तृष्णा बढ़ती जावेगी, सही कहावत बकरे की माँ कैदन खर्म ना आवेगी, दिन खैर मनावे। बताया कि छोड़ के स्वार्थ कर परमार्थ, लेकिन सजनों यो स्वार्थ इतना हावी है, यो स्वार्थ छुट्टे नहीं आदमी था, आज का आदमी इतना लोभी हो रहा है, इतना स्वार्थी हो रहा है, आपका एक रुपये के लिए दूसरे का 1000 रुपया का नुकसान कर दे। एक होलदार फौज का छुट्टिया एडा था, आपका घराली कैसा का अगले खेत में निनान करे, दोनों मुटार लुगाई निनान करे, एक बुढ़ी औरत जिसका मुटार फौज में था वो फौज में शहीद हो एडा, वह उनकी पेंशन लाने जारी, लुगाई का स्वभाव हिसाब है सारे का लुगाई निकले जाना चाहिए, डेढ़ मन की रोटी सिर पर रखी वो बहुत मर्यादा अपन बाप 5-10 मिनट को टाइम पक्को ही काटा बात करने के लिए। ओलदार के घराले ही बोली काकी जी रोज किन्ने जाओ हो, बुढ़ी बोली बहुत तन तो बेरो ये तेरा ससुरन मरे आज 18 साल होगी, मैं सूरजगढ़ जा रही हूँ की पेंशन ले रही हूँ ही घर को काम चल रहा है। ओलदार के घराली बोली काकी जी हो तारो तो मौज हो रही है भगवान, यो दिन मन भी कदे न कदे तो दिखावे ही गो, बाटी देखा मोटियार सालों से मर जाऊ की आंट को न्या गुट्ठो टेक कर पेंसिल लाऊंगी, कदे कोई नहीं सोचता घोगड़ियाली माँ तो अपने सके चल जाएगी ना, यो स्वार्थ का जमाना आ गया। अरे सृष्टि के करता धरता उस मालिक के गुण गा ले तू, अरे तेरी देही कमजोर है जी गोत खा जाओ, तू ओपरी पराई घूम रहे है, पण ये कई अहियां का है घर चल गया तो भी आठ कोने ने जा तो भी आठ कोने मत पूछो, अरे सृष्टि के करता धरता उस मालिक के गुण गा ले तू, ऐसा परमो धर्म कमंतर पढ़ के मन समझा ले तू, ऐसा परमो धर्म कमंतर पढ़ के मन समझा ले तू, अरे हेला फेरी तेरा मेरी छोड़ यमर पद पा ले तू, देश की सेवा करके अपना जीवन सफल बना ले तू, फिर देश की सेवा करके अपना जीवन सफल बना ले तू, ए धर्मपाल सिंह बालोटिया एक दुनिया मोट हरावेगी, सही कहावत बकरे की माँ कै दिन खैर मनावेगी, बोले गौ माता की।